घट तो घट 25 to 30 हज़ार की संख्या दे विच संगत अलग अलग प्रदेशों तो पंजाब हरियाणा हिमाचल जे एंड के दिल्ली उत्तर प्रदेश तो अलग अलग जगह तो लोग बड़े उत्साह दे विच ने कि गणेश महोत्सव 2022 लुधियाना के इतिहासिक श्री रामलीला मैदान दरेसी दे विच मनाया जा रहा है। 9 सितंबर नूं शोभा यात्रा शहर के अलग अलग हिस्सों चो हुंदे होए गणेश जी का विसर्जन सतलुज दरिया दे विच कीता जाएगा। सारे इंतजाम लगभग जोरों शोरों नाल हो रहे ने। हरियाणे चो भी सानू मैसेज आ रहे ने कि साडियां कोई कह रहा मेरी 21 बसां आ रही हैं, कोई दिल्ली तो कह रहा मेरी 31 बसां आ रही हैं, हिमाचल तो भी लोग आ रहे ने, राजस्थान तो भी लोग आ रहे ने। आत्मा चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। 31 अगस्त तो गणेश महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। जिवें कि तुहानू पता ही है कि गणेश महोत्सव का जिहड़ा त्यौहार है बहुत ही हर्षोल्लास दे नाल भारत वर्ष विच मनाया जाता है। उत्थे लुधियाना दे विच भी श्री गणेश महोत्सव कमेटी वालों 31 अगस्त तो 9 सितंबर तक गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इत्थे साडे नाल मौजूद ने श्री गणेश महोत्सव कमेटी के सचिव संदीप थापर। इन्हां नाल गलबात करदे आ, इन्हां तों जानदे आ कि कुछ तैयारियां कीतियां जा रहियां हन इन्हां वल्लों। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਸਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਗਣੇਸ਼ ਮਹੋਤਸਵ 2022 ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਯੁਵਾ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ और श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान के गणेश महोत्सव कमेटी करन जा रही है, जिसका शुभारंभ गणेश चतुर्थी वाले दिन सवेरे श्री हनुमान संकट मोचन हनुमान मंदिर के अंदर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके किया जाएगा। 31 अगस्त गणेश चतुर्थी वाले दिन उसी दिन शाम को सचखंड नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबदा भला मिशन दे जिहड़े संस्थापक स्वर्गीय दर्शन दास जी के पुत्र महाराज त्रिलोचन दास जी महाराज गणपति महाराज जी के भजनों का गुणगान करेंगे अते समूह संगतां नूं अपने प्रवचनों नाल निहाल करेंगे। उत्थे ही 9 दिन लगातार गणेश महोत्सव हनुमान मंदिर के अंदर मनाया जाएगा। नौ दिन होणगे, इन्हां 9 दिनों विच की कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? पहला तो मैं तुहानूं 31 अगस्त वाली गल गणेश चौथ वाले दिन शाम को जिहड़ा 7 बजे महाराज त्रिलोचन दास जी का प्रवचन होएगा, उहदे विच घट तो घट 25 to 30 हज़ार की संख्या के संगत अलग अलग प्रदेशों तो पंजाब हरियाणा हिमाचल जे एंड के दिल्ली उत्तर प्रदेश तो अलग अलग जगह तो लोग बड़े उत्साह दे विच ने कि गणेश महोत्सव 2022 लुधियाना दे इतिहासिक श्री रामलीला मैदान दरेसी दे विच मनाया जा रहा है। उसकी उत्सुकता लोगों दे विच बनी हुई है। सानू लगातार सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, उन्हां दे रहन सहन का प्रबंध, उन्हां दे लंगर पानी का प्रबंध दीआं तैयारियां जोरों शोरों से युवा जागृति मंच और दास धर्म कमेटी और श्री रामलीला कमेटी लुधियाना मिलकर कर रहे हैं। पहले दिन महाराज त्रिलोचन दास जी का प्रवचन और भजन कीर्तन होएगा। दूसरे दिन 1 सितंबर को भजन मंडली जिहड़ी साडी युवा जागृति मंच की भजन मंडली है उहदी संगीत उहदे विच देणगे प्रीति शर्मा जी। और तीसरे दिन 2 सितंबर को रमन मल्होत्रा एंड पार्टी, जिन्होंने इस गणेश महोत्सव की शुरुआत तो ही साडे नाल जुड़े हुए हैं। 3 सितंबर को दिन शनिवार को ब्रिज की महक जिहड़ी कि साडी इस मंदिर दे नाल जुड़ी हुई भजन मंडली है, उस तो बाद श्री राम शरणम दे जिहड़ी संकीर्तन मंडली है भाई दविंदर सूद जी की अध्यक्षता दे विच भगवान राम दा और भगवान गणपति जी का गुणगान करनगे। सोमवार को शिव विवाह जिहड़े साडी प्राचीन संस्कृति दे विच जिहड़े जंगम बाबा जी ने
उन्हां वल्लों 5 सितंबर नूं 5 सितंबर नूं शिव विवाह इसी मंदिर के अंदर वह भी गणेश जी का गुणगान भी करनगे। उस तों बाद 6 तरीक नूं इसी मंदिर की जिहड़ी लंगर कमेटी और जिहड़ी सुंदरकांड भजन मंडली है बालाजी मित्र मंडल सुंदरकांड है लंगर सेवा समिति उन्हां वल्लों बालाजी के मंदिर के अंदर सुंदरकांड का पाठ होएगा। 7 तरीक नूं फिल्मी प्लेबैक सिंगर कुमार संजीव एंड पार्टी गणेश जी का गुणगान करेंगे और 8 तरीक नूं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जिहड़े साधवी परम शिष्या आशुतोष महाराज जी की साधवी सुश्री सोम्या भारती जी वल्लों संकीर्तन किया जाएगा और गणेश जी का गुणगान किया जाएगा। 9 सितंबर नूं शोभा यात्रा शहर के अलग अलग हिस्सों से होते हुए गणेश जी का विसर्जन सतलुज दरिया के विच किया जाएगा। ये साडा प्रोग्राम है। इस 9 दिन के अंदर सनातन धर्म की ध्वजा अगे लैके जाने लिए अलग अलग वक्तावान वालों इतने लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा ता जो सनातन धर्म का जो ध्वज है वह सदा ही अजय चलता रहे। सर हुण तक किन्ने कु जिहड़े कार्य ने ओह संपन्न हो चुके ने ते हुण तक होर किन्ना कु कार्य रह गया तुहाडा? साडा जिहड़ी बाहरों संगत आनी है उन्हां दे लंगर दा जिहड़ा साडा लंगर व्यवस्था दा भी इंतजाम हो चुका है और अलग अलग जगह ते असीं धर्मशाला मंदिर होटल वगैरह जिहड़ी संगत साडी बाहरों आ रही है उन्हां लई बुकिंग जारी है जिहदी इक टीम बनाती गई है श्री राजीव टंडन जी दी अध्यक्षता दे विच उहदे विच नाल उहनां दे पंकज भनोट जी सारी देख रेख कर रहे ने। ये टीम अपना कार्य कर रही है और जिहड़ी साडी साउंड है वह दिल्ली तो साउंड आ रही है और टेंट का जिहड़ा इंतजाम है वह श्री रामलीला कमेटी दे दिनेश मरवाहा जी कमल बस्सी जी महेशदत्त शर्मा जी उमादत्त शर्मा जी ये सारे मिल के देख रेख कर रहे ने। जी सारे इंतजाम लगभग जोरों शोरों नाल हो रहे ने। हरियाणे चो भी सानू मैसेज आ रहे हैं कि साडियां कोई कह रहा मेरी 21 बसा आ रही हैं कोई दिल्ली तो कह रहा मेरी 31 बसा आ रही हैं हिमाचल तो भी लोग आ रहे हैं राजस्थान तो भी लोग आ रहे हैं अलग अलग प्रदेशों तो लोग महाराज त्रिलोचन दास जी के प्रवचन एंड भजन सुनने के लिए 31 अगस्त को दरेसी के श्री रामलीला मैदान दरेसी ग्राउंड के अंदर इकट्ठे होंगे और एक अलौकिक नज़ारा होएगा भगवान गणेश जी महाराज जी का सुंदर गुणगान और महाराज त्रिलोचन दास जी के प्रवचन समूह संगत सरवण करेगी। जिवें कि तुसीं जानदे हो कि गणेश महोत्सव का जिहड़ा क्रेज़ है लोगों विच बहुत ही ज़्यादा देखण नूं मिलदा है ते गणेश उत्सव की जिहड़ी तैयारियां है वह भी जोरों शोरों से चल रही ने। ते इत्थे लुधियाना दे रामलीला मैदान दे विच भी आपां देख रहे हैं कि जिहड़ी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं ते जिहड़ा 9 सितंबर तक ये कार्यक्रम इहदा चलेगा 31 अगस्त तो 9 सितंबर तक ये कार्यक्रम बहुत ही वधिया तरीके नाल धूमधाम नाल मनाया जाएगा। संगत आएंगियां ते भजन कीर्तन होगा। आत्मा चैनल वालों भी लगातार तुहानू इदा दियां अपडेट दिखाई जाएगियां। तुसीं इदा ही देखते रहो आत्मा चैनल। कैमरामैन बलविंदर दे नाल नलिनी।